चलिए हम आपके लिए फिर से लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाना बताते हैं, जिसके लिए यहाँ पे हमने 3 प्लाई वाली ऊन ली है। ये 3 फर वाली मैंने ऊन ली है, बहुत ही सॉफ्ट होती है ये। और हमने 11 नंबर सिलाई ली हुई है, ये देखिए। और मैं आपको ये 0 नंबर कान्हा जी के लिए पॉचू बताऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही इजी तरीके से। काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि मैं 0 नंबर कान्हा जी के लिए भी पॉचू बताऊँ आपको, तो चलिए हम इसी भूल से आपको 0 नंबर कान्हा जी के लिए पॉचू बताते हैं, जो बनाने में बिल्कुल आसान है, बहुत ही इजी है, आप इसे काफ़ी जल्दी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 0 नंबर कान्हा जी के लिए पगड़ी भी बनाई हुई है, ये देखिए इस तरह से। ये भी हमने बहुत ही आसान तरीके से बना के कंप्लीट कर ली है और काफ़ी सुंदर बन गई है, ये देखिए। 0 नंबर कान्हा जी के लिए मैंने ये पगड़ी बनाई हुई है, तो ये पगड़ी हमने 25 फंदों की बनाई है, 25 फंदे हमने डाली हैं, 2 सिलाइयाँ हमने बनाई हैं, उसके बाद हमने पगड़ी की सिलाई की है, ये देखिए। और काफ़ी मैंने टोपी डाली हुई है 0 नंबर कान्हा जी के लिए भी अपने चैनल में, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे 0 नंबर कान्हा जी के लिए पोंचू बताते हैं आपको, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं लड्डू गोपाल का पोंचू आपको कैसा लगा। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप अपनी पसंद का इसमें कोई भी कलर ले सकते हैं और कैसी भी आप नॉर्मल ऊन ले सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले हम इस तरह से 12 फंदे डालेंगे, ये देखिए सिंपल ही मैं फंदे आपको बता रही हूँ, 12 फंदे हमने इस तरह से यहाँ पे डाल लेने हैं, ये देखिए। पहनने के बाद काफ़ी सुंदर लगेंगे लड्डू गोपाल सभी किसी, ये देखिए सभी हमने अपने चैनल में सभी ड्रेसें डाली हुई हैं, सभी लड्डू गोपाल के लिए बड़ी छोटी, ये देखिए। यहाँ पे मैं 12 फंदे डाल लेती हूँ, ये देखिए आपको फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 12 फंदे डाल लिए हैं, अगर आप इससे भी छोटी बनाना चाहते हैं तो आप 8 फंदे 10 फंदे आप ले सकते हैं, पर मैं आपको ये 0 नंबर कान्हा जी के लिए बता रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखिए एक सिलाई इसी तरह से बनाएंगे, ये देखिए फुल साइज में भी मैंने अपने चैनल में लड्डू गोपाल की ड्रेस डाली हुई है 0 नंबर कान्हा जी के लिए, ये देखिए। ये देखिए इस तरह से एक सिलाई हमने बना ली है, इसके बाद हम उल्टी सिलाई को भी बना के कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक सिलाई बना ली है, यानी कि दोनों तरफ से 2 सिलाइयाँ, उल्टी और सीधी सिलाई। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे हम पहला फंदा उतार लेंगे और धागा अपनी तरफ करेंगे, ये देखिए। तो यहाँ पे हम 2 फंदे, 3, 4, 5, 5 फंदे हम बना लिए हैं, ये देखिए। और 5 फंदे बना के हम अपनी तरफ है, धागा अपनी तरफ है। इसके बाद हमने यहाँ पे 2 जालियाँ डाल ली हैं इस तरह से, एक और ये 2, इस तरह से धागा अपनी तरफ करके 5 फंदे हम उल्टे बना लेंगे इस तरह से, ये देखिए। ये देखिए इस तरह से, सॉरी, लास्ट वाला फंदा पीछे धागा करके लास्ट वाला फंदा हम सीधा बना लेंगे इस तरह से, ये देखिए। उल्टी सिलाई को हम इस तरह से पूरा उल्टा बनाएंगे, ये देखिए। तो यहाँ पे हम उल्टी सिलाई पूरी उल्टी ही बना के कंप्लीट करेंगे, ये देखिए।
इसके बाद हम फिर से पहला फंदा उतारेंगे, सीधी सिलाई पे हैं हम, और यहाँ पे अब हम 6 फंदे उल्टे बना लेंगे, 3, 4, 5 और ये बड़ा हुआ फंदा 6 फंदे हमने बना लिए हैं। इसके बाद हम फिर से यहीं पे एक फंदे पे जाली डालेंगे, ये देखिए इस तरह से एक बना चुके धागा अपनी तरफ, दूसरे फंदे पे हमने बड़े हुए फंदे पे जाली डालनी है इस तरह से। फंदा आप लपेट के भी जाली बना सकते हैं इसमें। इसके बाद हम धागा अपनी तरफ करके, और ये बढ़ चुका है फंदा, इसको भी हम उल्टा बना लेंगे। तो यहाँ पे हम 6 फंदे बनाएंगे इसी तरह से, ये देखिए धागा पीछे किया, एक फंदा लास्ट वाला सीधा बना लेंगे, उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बनाएंगे। तो यहाँ पे उल्टी सिलाई कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड्स हम यहाँ पे 2 जालियाँ डाल चुके हैं। इसके बाद हमने फिर से पहला फंदा उतारना है और धागा अपनी तरफ, यहाँ पे हम 7 फंदे सीधे उल्टे बना लेंगे, सॉरी उल्टे इस तरह से, 3, 4, 5, 6 और देखिए ये बड़ा हुआ फंदा 7वां। तो यहाँ पे ये 7 फंदे हो चुके हैं, 2 जालियाँ डल चुकी हैं, तीसरी जाली हम बना रहे हैं इस तरह से, ये देखिए फिर से धागा हम आगे करेंगे इस तरह से, फिर धागा आगे करके बड़े हुए फंदे को हम इस तरह से उल्टा ही बनाएंगे उसको, ये देखिए। तो इधर भी हम 7 फंदे उल्टे ही बना लेते हैं, ये देखिए पहला फंदा, सॉरी लास्ट वाला फंदा पीछे धागा करके इसको हम सीधा बना लेंगे। तो 3 जालियां हम बना चुके हैं यहाँ पे, और 3 ही हम और बनाएंगे इसी तरह से, 6 जालियां बना के कंप्लीट करेंगे। उल्टी तरफ हमने कुछ नहीं करना है, पूरी सिलाई को उल्टा ही बनाना है इस तरह से, ये देखिए। और जाली वाले फंदे भी हमने उल्टे ही बनाने हैं, जो बड़े हुए फंदे हैं ये देखिए इस तरह से, ये बड़ा हुआ फंदा इसको बना लेते हैं, और इसके आगे वाला फंदा बड़ा हुआ है इसको भी उल्टा ही बनाएंगे। पूरी सिलाई हमने उल्टी तरफ से उल्टा ही बनाना है, ये देखिए। तो यहाँ पे उल्टी सिलाई बन चुकी है। अब हम चौथी जाली बता रहे हैं आपको, एक बार और बता देते हैं, ये देखिए पहला फंदा उतारा और धागा अपनी तरफ। अब हमने यहाँ पे 8 फंदे बनाने हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे ये देखिए 3 जालियाँ हो चुकी हैं। इसके बाद धागा अपनी तरफ है, और ये देखिए इस तरह से जाली डालेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर हमने दूसरी जाली इस तरह से डालनी है, धागा अपनी तरफ करके 8 फंदे हम इस तरह से उल्टे बनाएंगे। तो यहाँ पे हम 2 जालियाँ और बना लेते हैं, 2-4 जालियाँ हमारी बन चुकी हैं, 2 और हम बना लेते हैं फिर दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 6 जालियाँ डाल ली हैं, और ये 6 सिलाइयाँ बना के कंप्लीट कर ली हैं, ये देखिए एक सिलाई हमने इसी तरह से बनाई ही, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिलाइयाँ यहाँ पे बन गई हैं, और हम उल्टी तरफ है तो हम इसमें 6 सिलाइयाँ ही डालेंगे। उल्टी तरफ से हमने ये देखिए किस तरह से कंगूरा बनाना है, एक फंदा लिया और यहीं से वापस हो गए, ये देखिए इस तरह से पहला फंदा उतारा। अब यहाँ पे ये 2 फंदे बना लिए, तीसरा फंदा हमने लिया और यहीं से वापस हो गए, और ये 3 फंदों को हम इस तरह से बना लेंगे, ये देखिए। फिर हमने पहला फंदा उतारा, चौथा फंदा, ये देखिए 3 फंदे हमने बनाए और चौथा फंदा हमने ये बना लिया, और यहीं से हम वापस हो गए। तो यहाँ पे हमने 4 फंदे बना लिए हैं।
अब ये देखिए हमने चार फंदे बना लिए हैं। इसके बाद हम यहाँ से ये देखिए तीन फंदे कम करेंगे। ये देखिए इस तरह से एक दो तीन, ये देखिए तीन फंदे मैंने बंद कर दिए हैं और चौथा फंदा हमारी सिलाई में है। फिर से हमने एक फंदा बनाया, यहीं से वापस हो गए सीधी सिलाई पे। इस तरह से सभी फंदों को बना लेंगे, उल्टी तरफ से हम बना रहे हैं। पहला फंदा उतारा और धागा अपनी तरफ, तीसरा फंदा हमने बनाया, यहीं से हम वापस हो गए। ये देखिए इस तरह से। अब ये देखिए पहला फंदा उतारा, चौथा फंदा हमने बनाया, ये देखिए चौथा फंदा बना लिया और यहीं से वापस हो गए। इसके बाद हम चार फंदे सीधी तरफ से बना लेंगे। ये देखिए अब चार फंदे में से हम यहाँ पे ये देखिए तीन फंदे फिर से हम कम करेंगे। दो का एक किया, फिर वापस सिलाई में डाला, दो का एक किया, वापस सिलाई में डाल के यहाँ पे ये देखिए तीसरा फंदा कम किया। तो चौथा फंदा हमारी सिलाई में है। ये फिर से हम यही करेंगे, पहला फंदा उतारा सॉरी बनाया और यहीं से वापस हो गए। इस तरह से ये हमारा छोटा छोटा डिजाइन बनता हुआ आएगा। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे बना लेते हैं इसी तरह से चार तीन तीन फंदों का कंगूरा इस तरह से। तो यहाँ पे तीन फंदे बना लिए। अब ये देखिए पहला फंदा उतार के चौथा फंदा हम यहाँ पे बनाएंगे। ये देखिए चौथा फंदा हमने बना लिया है, यहीं से वापस हो जाएंगे और यहाँ पे हम तीन फंदे कम करेंगे। ये देखिए इस तरह से एक कम किया, दूसरा कम किया, तीसरा कम किया, चौथा फंदा सिलाई में है। फिर से हम इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे और ये इस तरह से छोटा छोटा डिजाइन बनता हुआ आएगा। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं फिर दिखाते हैं। मैंने यहाँ पे सभी फंदे ये देखिए बंद कर दिए हैं। इस तरह से हमारे ये छोटे छोटे कंगूरे बन गए हैं इसमें, ये देखिए। और हम ये दूसरा पर्त भी इसी तरह से बना के कंप्लीट करेंगे और आपको फिर दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों पर्त हमारे बन के कंप्लीट हैं। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए। तो हम यहाँ पे इधर से और इधर से हम सिलाई करेंगे। दोनों तरफ से हमने सिलाई कर लेनी है इसमें, ये देखिए। तो मैं यहाँ पे दोनों तरफ से सिलाई करती हूँ। हम दोनों तरफ से सिलाई करेंगे। तो हमने सिलाई किस तरह से करनी है ये देखिए, दोनों परत को हम उल्टा कर लेंगे इस तरह से। ये भी हमारी उल्टी साइड है और ये भी हमारी उल्टी साइड है। तो अब हम यहाँ से ये देखिए इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे हर चैन में से निकालते हुए। ये देखिए तो हर चैन में से निकालते हुए मैं इस तरह से सिलाई कर लूँगी और दोनों तरफ से इसी तरह से करनी है। ये देखिए तो यहाँ पे इस तरह से नॉट लगा देंगे। ये देखिए और यहीं से धागे को कट करेंगे और दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से यहाँ पे नॉट लगा के सिलाई कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से इस साइड भी हम यहाँ से गले से लेके सिलाई करेंगे हर चैन में से निकालते हुए।
दोनों तरफ से ये सिलके कंप्लीट है और हम इसको सीधा कर लेते हैं। ये देखिए इसको हमने सीधा कर लिया है और ये देखिए यहाँ पे जीरो नंबर कान्हा जी का पोंचो बन के कम्प्लीट है। ये देखिए और बहुत ही छोटा सा लग रहा है, एकदम बहुत ही सुंदर लग रहा है और बनाने में तो बिल्कुल ही आसान है। और हम इसको ये देखिए जिस तरह से, ये देखिए हमने पगड़ी भी बनाई हुई है, हम इसको रेड कलर के मोती से पगड़ी पे लगाया हुआ है। इसी तरह से हम यहाँ पे डेकोरेट कर लेते हैं, आपको फिर दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इसको डेकोरेट कर लिया है और आप इसमें ये देखिए मैंने इस तरह से ये मोती लगाया हुआ है। ये आप धागे से भी लगा सकते हैं, इन्हें आप ग्लू गन से किसी से भी आप स्टोन वगैरह चिपका सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जीरो नंबर कान्हा जी के लिए ये देखिए इस तरह से पोंचो बन के कम्प्लीट है और पगड़ी भी काफ़ी सुंदर लग रही है। ये भी बनाने में बिल्कुल आसान है और ये हमारा पोंचो भी बनाने में बिल्कुल आसान है। ये देखिए इस तरह से आप जीरो नंबर कान्हा जी के लिए इसी तरह से बनाएं और ये देखिए काफ़ी सुंदर लग रहा है, बिल्कुल बनाने में आसान है। तो आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं लड्डू गोपाल की ड्रेस आपको कैसी लगी। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।